स्वागत है आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। पैथोलॉजी सेक्शन में आज हम नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ये अगेन एक वायरल डिजीज़ है और कुकुम्बर के प्लांट्स को ये अफेक्ट करती है। कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरा जो होता है ये इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। पैचेस हो जाते हैं येलो येलो कलर के, यील्ड घट जाती है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। तो वायरल डिजीज़ जो होता है ये एक बहुत वाइड लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। सो हियर वी डिस्कस कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस में द होस्ट इज़ कुकुम्बर, होस्ट जो है आपका कुकुम्बर है। डिजीज़ मोज़ेक, पैथोजन कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। इसके अलावा इस पैथोजन को और भी क्या नाम देते हैं, कुकुम्बर येलो मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर वायरस एंड मोरोमर क्यूक्यूमेरिस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो डिजीज़ होती है इनके अदर होस्ट क्या क्या हैं। अदर होस्ट में और कुकुरबिट्स हैं आपके, समर स्क्वैश, पम्पकिन, वाटरमेलन, स्पाइनक है, पालक, टोमेटो, टमाटर, लेटस है, चिली है, सेलेरी है और बीन है। दिस डिजीज़ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड, CMV वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन 1916 ऑन कुकुम्बर बाई डीओ लिटिल एंड जैगर। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वायरल डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से होता है और वर्ल्ड वाइड हो जाता है। ये तो आप लोग अभी देख रहे हैं कोविड के केस में, वायरल डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है और उसको कंट्रोल करना टफ टास्क है। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, प्लांट के केस में भी वायरल डिजीज़ में चीज़ें सेम ही हैं। स्प्रेड वेरी इजली एंड कॉज सीवियर डैमेज टू द होस्ट, होस्ट मतलब कुकुम्बर। CMV इन्फेक्ट्स 1200 स्पीशीज़ इन ओवर 100 फैमिलीज एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस इन मेनी वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और जो आपकी क्रॉप है वेजिटेबल्स। सिम्टम्स की बात कर लें, द इन्फेक्टेड प्लांट शो कपिंग ऑफ लीव्स डाउनवर्ड। कपिंग का मतलब होता है कि कर्लिंग, मतलब स्ट्रेस की वजह से, हीट स्ट्रेस या किसी तरह के स्ट्रेस की वजह से लीफ में कपिंग या कर्लिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका येलो मॉटलिंग एंड लीफ डिस्टॉर्शन। मॉटल का मतलब होता है इरेगुलर स्पॉट्स, मार्क्स या पैचेस, येलो स्पॉट्स जो होते हैं उन्हें आप कहते हैं येलो मॉटलिंग। स्टंटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, छोटे होते हैं, इंटरनोड शॉर्ट होते हैं और पेटियोल्स भी। गिव्स बुशी ग्रोथ टू प्लांट, बुशी मतलब बहुत ज़्यादा कर्लिंग कर्लिंग हो जाती है, ग्रोथ छोटी हो जाती है। फ्रूट्स आर कवर्ड विथ बम्पी प्रोट्रूजन, फ्रूट्स पे आप देखेंगे, खीरे को देख लेंगे, पीला पीला होता है, उसके ऊपर उभार जैसा होता है। मॉटल्ड येलोइश ग्रीन एरिया कैन बी सीन इन फ्रूट, वो भी आप खीरे पे ही देख सकते हैं, येलो ग्रीन पैचेस पाए जाते हैं। सीवियरली अफेक्टेड कुकुम्बर फ्रूट मे बी ऑलमोस्ट एंटायरली वाइट, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है और एक तरह से पूरा टेस्टलेस, और जो उसके अंदर का वाटर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड वाइट पिकल। यहाँ पे डायग्रामेटली आपको सिम्टम्स दिखाए गए हैं, लीव्स में येलो स्पॉट, फ्रूट में जो येलो स्पॉट होते हैं और क्वालिटी डिटोरिएट होती जाती है। यहाँ पे क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो वायरस को ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर चाहते हैं, ये है कुछ एफिड्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि इनको ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि ऑफ सीज़न में ये जो कुकुम्बर का एक सीज़न है फरवरी या मार्च से लेके गर्मी में आपको मिलता है, आजकल तो हर सब्जी हर मौसम में मिल रही है, बट स्टिल एक ग्रोइंग सीज़न होता है इनका, फेवरेबल सीज़न। तो उस सीज़न में तो ये वायरस इन्हें अफेक्ट करते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में ये वीड्स पे सरवाइव करते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू एफिड्स, इंसेक्ट होते हैं इनके वेक्टर्स। वायरस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, द क्लासिफिकेशन इज़ ग्रुप 4, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस को पॉजिटिव सेंस वायरस भी, मतलब पॉजिटिव सेंस वायरस कहते हैं। वायरस
का डिटेल, वायरोलॉजी और वायरस का क्लासिफिकेशन आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड जो भी डीएनए, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस के बारे में काफ़ी डिटेल क्लासिफिकेशन बताया जाता है। तो एक बार इस चीज़ को पढ़ने से पहले उसे रिविज़न मार लिया करिए। द फैमिली इज़ ब्रोमोविरिडी, जीनस क्यूक्यूमो वायरस, स्पीशीज़ क्यूक्यूम्बर मोज़ेक वायरस। पैथोजन सी एम वी इज़ लीनियर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्फेरिकल पार्टिकल, ईच अप्रॉक्स 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ईच आर एन ए मॉलिक्यूल इज़ इनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट। ये जो वायरस वगैरह होते हैं इनके में एक प्रोटीन की कोटिंग होती ही है। जब वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको। वेक्टर की बात कर लें जो कि ट्रांसफ़र करता है इस डिज़ीज़ को फ्रॉम होस्ट टू अदर होस्ट। द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाई मोर देन 60 स्पीशीज़ ऑफ एफिड्स बाई सीड्स एंड डॉडर। देखिए एफिड्स जो हैं ये एक तरह के सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट कलर के एफिड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये पौधों के रस को चूसना सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, सीड्स के द्वारा जो उनके बीज होते हैं उनसे, और डॉडर, डॉडर तो मतलब कसकटा कहते हैं, अमर बेल होती है, मतलब इसमें और होस्ट सेल में एक टाइप का मतलब रिलेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है डॉडर। ओके, अमर बेल को कहते हैं। एफिड्स ट्रांसमिट द वायरस इन नॉन परसिस्टेंट मैनर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो परसिस्ट करता रहता है, कॉन्टिन्यूस बना रहता है, नॉन परसिस्टेंट मैनर। कॉमन स्पीशीज़ जो हैं जो कि ट्रांसफ़र करती हैं इसे, दैट इज़ फर्स्ट वन एफिस गॉसिपी, एफिस क्रैकीवोरा, माइजस परसिकी। ये दो यहाँ पे एफिड्स का डायग्राम दिखाया गया है, एक विंग्ड है और एक विंगलेस है। जाएंगे, बैठेंगे, सक करेंगे, उस वायरस को अपने में चिपकाएंगे, फिर उड़ेंगे और जाके दूसरे पे उस वायरस को स्प्रेड आउट कर देंगे। या जो विंगलेस हैं वो भी अपना मूव करते करते एक से दूसरे पे जाते हैं और उन पे स्प्रेड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्प्रेड एंड सर्वाइवल, पेरिनेशन। द वायरस कैन ओवर विंटर इन पेरिनियल वीड्स, वही बात हो गई, ऑफ सीजन में ये जो पेरिनियल वीड्स हैं उन पे सर्वाइव करते हैं फ्लावर्स एंड ऑफन क्रॉप प्लांट्स बाय सर्वाइविंग इन रूट्स। ओके, द प्राइमरी इन्फेक्शन स्प्रिंग सीजन जो आपका मार्च से लेके जून तक का टाइम, मतलब मार्च से जब आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है ये जो वायरस एफिड्स ये जो मतलब होते हैं एकाएक से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ये डिवाइड करते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फसल को थोड़ा पहले लगा दीजिए, थोड़ा अर्ली ग्रोइंग कर दीजिए, तो आप थोड़ा सा इनके इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इन द स्प्रिंग द वायरस ग्रोज विथ प्लांट्स एंड इमर्जेस इन टॉप लीव्स। ओके, वेयर इट इज़ पिक्ड बाई एफिड्स एंड कैरीड टू देयर होस्ट एंड स्प्रेड द डिजीज़। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, सेम ग्रोइंग सीजन में ही होता है, कैन अकर यूजुअली बाय इंसेक्ट्स एंड मैन। इंसेक्ट्स भी ट्रांसफ़र करते हैं और इंसान अगर जो खेतों में काम करते हैं तो उनके कपड़ों या चप्पलों या जूतों में चिपक के फिर वो मूवमेंट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ह्यूमंस स्प्रेड द वायरस टू मेनी हेल्दी प्लांट्स ड्यूरिंग द कल्चरल प्रैक्टिस। इसके बाद क्योंकि वायरल डिजीज़ है बहुत तेज़ी से फैलती है, वर्ल्ड वाइड है, इसलिए इसका मैनेजमेंट भी थोड़ा सा टफ होता है। स्टिल हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है देयर इज़ नो परफेक्ट कंट्रोल फॉर दिस वायरस। वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ टास्क है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिमूविंग वीड्स एंड डिजीज प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड्स कैन रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, बट आप कितने वीड्स निकालोगे, मान लो अगर आपका खेत है तो आप वहाँ से रिमूव आउट करोगे, लेकिन ये रोड साइड जो वीड्स होते हैं उन पे पूरे साल सर्वाइव करते हैं। अर्ली प्लांटिंग ऑफ क्रॉप रिड्यूस एफिड इन्फेस्टेशन, वही कि थोड़ी पहले प्लांटिंग कर दीजिए। स्प्रे डाई मेथोएट टू
2 ml पर लीटर या मोनोक्रोप्टोस, मतलब इसके अलावा भी इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स हैं, या इन वायरस को ख़त्म करने के लिए भी, मतलब वो वीड्स निकाल दीजिए, ये सारे कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए जाते हैं टाइम टू टाइम। सबसे अच्छा होता है कि स्प्रे ऑफ मिनरल ऑयल इन प्लांट टू कंट्रोल एफिड्स, ये होता है उनको सैप सकिंग में, ये जो मिनरल ऑयल होती है हिंड्रेंस कॉज करती है, तो ये फैला नहीं पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर्टिकुलर उस वायरस को, ये जो एफिड्स होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि मिनरल ऑयल की स्प्रेइंग कर दीजिए। दैट्स ऑल। वायरल डिजीज़ में सबका एक ही पैटर्न है कि उन्हें होस्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए, और ऑफ सीज़न में वीड्स पे रहते हैं ये, ऑन सीज़न में जाके पर्टिकुलर क्रॉप को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करिए, ये उन्हें हेल्प करेगा।